हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में एक खास किस्म की गलती जो शायद हर बिगिनर स्टूडेंट से होती है, जीएसटी को लेकर के जो मिस्टेक्स होती हैं उस पर कई वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी। लेकिन जो खास गलती आप कर देते हैं और फिर परेशानी का सबब बन जाती है आपके लिए, जैसे कल बन गई थी, ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड से आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है और यहाँ पर आ जाना है। ये देख सकते हैं आप जीएसटी, ठीक है, टैक्सेशन वाले सेक्शन पे आकर जीएसटी को वाई प्रेस करके इनेबल करते हैं आप। और इनेबल करने के बाद यहाँ पर रेगुलर रख के फिर यहाँ पर अब देखिए ये 1 सितंबर 2029 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 सितंबर 2020 करना है, एंटरप्रेस करना है, ठीक है, एंटरप्रेस करना है। अब देखिए एप्लीकेबल हमने कर दिया 1 सितंबर 2020 से। अब यहीं पे मिस्टेक होती है, अब जीएसटी की डिटेल को एंटर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या भरा गया है। तो ये देख सकते हैं, अगर आपका ये टैक्स टाइप शो ना हो पूरा, जैसे कभी कभी क्या होता है इंटीग्रेटेड टैक्स ही आता है, तो आप कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करिएगा और नीचे यहीं पे मिल जाएगा आपका ऑप्शन, तो ये नो होगा आपका, तो नो होगा तो खाली इंटीग्रेटेड टैक्स हो करेगा। तो इसको यस करने के लिए आप क्या करना है, F12 बटन प्रेस करना है और नीचे आकर के अगर HSN कोड भी चाहिए तो ऊपर HSN कोड भी दिया हुआ है, एंटर प्रेस करके और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है, पूरे को कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराइए सबको। ये हो गया। अब वाउचर एंट्री पास करने जाइएगा, तो मैं अभी क्या करता हूँ, परचेस वाउचर में चलते हैं, ठीक है, पहले परचेस करेंगे फिर सेल करेंगे। तो ये हो गया हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, एंटरप्रेस किया। अब देखिए 1 जून 2019 को हम ये परचेजिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर ले लेते हैं हम, पहले से बना रखा है मैंने, एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कोई एक स्टॉक आइटम लेंगे, चाहे कीबोर्ड ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 50 कीबोर्ड्स रख लेता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सीजीएसटी का लेजर लगाते हैं क्योंकि सेम स्टेट की बात है, तो यहाँ सीजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं कैलकुलेट होगा, इसके पीछे कारण है कि हमने एप्लीकेबल उसे कर दिया बहुत बाद में, सितंबर में अक्टूबर में एप्लीकेबल किया और हम एंट्री पास कर रहे हैं जून 2019 में, हमने एप्लीकेबल किया जीएसटी को सितंबर 2019 से, तो इस कंडीशन में भी आपकी जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बाहर आना है, ठीक है, और फिर जब जीएसटी आप इनेबल कर रहे हैं F11 प्रेस करके, तो आपको यहां पर आ जाना है जीएसटी इनेबल वाली विंडो पर, टैक्सेशन वाली विंडो पर यहां पर आ जाइए। और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये 1 सितंबर जो कि आपने इसको 1 अप्रैल कर दीजिए, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहा है, तब से ही हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे ना। तो यहां पर ये गलती अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका जीएसटी बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट होगा। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, अब आते हैं एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी डेट हो जून ही है, चलिए ये देखते हैं कि एंट्री हम पास कर पाते हैं या नहीं, जीएसटी कैलकुलेट होता है या नहीं। तो यहां पर आ गए और चलिए जीएसटी आईएन नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं है। कई स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर जीएसटी आईएन नहीं डाला इसीलिए नहीं कैलकुलेट हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। अब देखिए यहां पर कीबोर्ड ले लेता हूं, पहले से बना हुआ स्टॉक आइटम है, 50 परचेस करेंगे, एंटरप्रेस करते हैं, यहाँ पे सीजीएसटी लगा देते हैं। तो ये देखिए सीजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ, और फिर यहाँ पे एसजीएसटी लगा देते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। तो सारी दिक्कतें इसीलिए आती हैं कि आप जीएसटी अप्लाई करते हैं वो डेट चेंज कर देते हैं। जीएसटी जब से एप्लीकेबल होगा तभी से तो कैलकुलेट होकर आएगा, उसके पहले आप डालेंगे जीएसटी तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो जीएसटी इनेबल करते समय ध्यान दीजिए कि आपको ये एप्लीकेबल कब से करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।